हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुबस्सिर। आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में जानने वाले हैं, कुछ उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लीक सामने निकल के आई है Redmi Note 10 सीरीज़ से रिगार्डिंग। और मैं आपको बता दूं, Redmi Note 10 सीरीज़ का ऑफिशियल टीज़र जो है मनु कुमार जैन, उसके बाद Redmi India ने ऑलरेडी जो है पोस्ट कर दिया है ट्विटर पे। और ये फ़ोन मार्च के महीने में दोस्तों लॉन्च होने वाला है। मुझे लगता है कि 10th मार्च में ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है, क्योंकि बार बार दोस्तों Redmi Note 10 सीरीज़ का जब भी टीज़र वगैरह आ रहा है, मनु कुमार जैन अगर कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर 10 को बार बार जो है हाईलाइट किया जा रहा है। और इसका लॉन्च डेट जो अनाउंसमेंट हुआ, इसके बारे में जब अनाउंसमेंट हुआ दोस्तों, तो वो डेट था 10 फरवरी 10:10 में। तो मुझे लगता है कि 10 मार्च को ही ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। और साथ ही साथ आपको अगर कुछ भी पूछना है हमसे तो नीचे आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके दोस्तों हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी फ़ोन से रिलेटेड या फिर और भी किसी तरह का भी आपका सवाल हो तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 3 फ़ोन लॉन्च हो सकते हैं, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro 5G। जी हाँ दोस्तों, और इनमें से एक जो फ़ोन होगा दोस्तों वो बहुत ही अच्छे स्पेक के साथ आने वाला है। और पहली बार दोस्तों आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकती है Redmi Note सीरीज में। दोस्तों अभी तक जितने भी Redmi Note सीरीज में फोन लॉन्च हुए हैं, किसी में भी हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिली है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फोन आने वाला है। मैं बात करने वाला हूं Redmi Note 10 Pro के बारे में। दोस्तों यहां पे आपको मिलने वाला है पहली बार सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, सिंगल पंच होल आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे बैक पैनल दोस्तों आपको ग्लास का देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, पीछे क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है आपको। यहां पे अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो ये 4G जो वेरियंट होगा उसमें हमें स्नैपड्रैगन का 732G का चिपसेट देखने को मिल सकता है। और जो 5G वेरियंट होगा दोस्तों उसमें हमको मीडियाटेक डायनेस्टी 800U का चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो लीक्स बता रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा इस फोन में आपको 6GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB के 3 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी हमको मिल सकता है इस फोन में। वहीं पे अगर कैमरास के बारे में दोस्तों बात करें तो कैमरास को लेके भी काफी इंटरेस्टिंग लीक सामने निकल के आई है। कैमरा इस फोन का काफी ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और साथ ही साथ आपको 16 या फिर 20 मेगापिक्सल का या फिर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। बैटरी लाइफ को लेकर बात की जाए तो 5050mAh की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आपको 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। फोन दोस्तों एंड्रॉइड 11 पे आने वाला है, MIUI 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा सभी बेसिक सेंसर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे, IR ब्लास्टर आपको देखने को मिल जाएगा और 3.5mm ऑडियो जैक से लेके दोस्तों आपको USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस फोन में। सो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो सामने निकल के आई है Redmi Note 10 सीरीज को लेके। आई होप कि दोस्तों आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें।